गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हरिद्वार पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो के पार्ट वन में देखा, हमने हरिद्वार कैसे घूमा, गंगा जी में कैसे डुबकियाँ लगाई। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी। इस पार्ट टू में हम जाएंगे मनसा देवी और भी दो तीन जब मंदिर कवर करेंगे। फिर एक बार पार्ट वन होगा गाइस, जिसमें हम शाम की गंगा आरती और हरिद्वार के जो स्ट्रीट फूड है वो ट्राई करेंगे। गाइस अब जाम कर रहे हैं मनसा देवी घूमने। भाई गर्मी इतनी, धूप बहुत हो गई भाई, सुबह में बारिश हो रही थी, अब इतनी धूप है ना भाई, 33 डिग्री है भाई, 33 डिग्री भाई, भाई आधा घंटा सोएंगे। भाई आधा घंटा सोए उसमें भी देखो फिर अभी आँख लगी हुई है, जाना ज़रूरी है ना भाई। एक दो दिन का टाइम हमारे पास, पूरा घूम लेंगे। इनका ऋषिकेश जाना है भाई, चले हम आपको सीधा मनसा देवी के रास्ते में मिलेंगे भाई। चलो भाई, भाई फाइनली भाई एंट्री हो गई है। मनसा देवी मंदिर में एंट्री हो गई है। देखिए पैदल मार्क करें, भाई ट्रॉली में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, पीछे बहुत अभी भीड़ है भाई, सीढ़ियों के जरिए जाया जा रहा है। बोलेंगे तो भाई बहुत टाइम, ट्रॉली के लिए तो भाई बहुत टाइम है, इतना टाइम है नहीं किसी के पास, इतने में भाई हम पक गए। अब सीढ़ियों के माध्यम से जाया जा रहा है भाई थकावट के लिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। 200 सीढ़ियाँ होगी, 2000 सीढ़ियाँ बनी होगी भाई, अभी तो स्टार्ट ही किया है, इतने में मैं थक गया भाई। भाई ट्रॉली में भाई अभी बहुत टाइम है, ट्रॉली में तो सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना है भाई। हाँ भाई तेरी आईडी हो कर गया नहीं, हे राम हे राम। ला भाई वहाँ ऊपर से घर में ऊपर से ये चढ़ाई, मैं ऐसे तो नहीं थी भाई, मनसा देवी की चढ़ाई पार्ट टू में स्वागत है भाई। भाई हमारे अरे भाया पेड़ भी नहीं हुए भाई, इतने नहीं थके भाई, उसके बाद सीधी चढ़ाई है वो भी चढ़ गया भाई। इसी बड़े बंदे ने कहा जल्दी हो जाएगा दर्शन आपका। ना भाई ठाकुर तो गियो, ले भाई बहुत ज़्यादा। एक तो भाई नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि अगर सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही हम लोगों से भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है। ले भाई सीढ़ियाँ खत्म होकर रास्ता स्टार्ट है भाई, चेक आउट दिस व्यू गाइस, चेक आउट करो भाई ये पहाड़ देखो भाई, ये बहुत मुश्किल होगा भाई, ये पहाड़ चढ़ना है ये
मैं तो कहूँगा शॉर्टकट का भी मत लेना, रिक्स भी होता है, सब कुछ होता है। इधर चेकआउट करो भाई, व्यू है भाई, जबरदस्त व्यू है यहाँ पे। बस व्यू है भाई, गर्मी बहुत है भाई, जितनी नहीं होनी उससे डबल गर्मी है इधर। तो बारिश हो जाती है यार। क्या बोला था, गर्मी कितनी है? बारिश हो जाती तो बढ़िया। बारिश मैं तो बोलिया सुबह भाई, थक गया भाई आज तो। मोटा शरीर लेके कहाँ जाएगा? आइए देखो, चेकआउट करो भाई व्यू। भाई नज़ारा देखो आप लोग, चेकआउट करो भाई ये नज़ारा। भाई थोड़ा सा रह गया वैसे। दो ढाई किलोमीटर और रह गया भाई, तीन चार किलोमीटर की चढ़ाई है, कड़ी चढ़ाई के कारण भाई थकावट होती है बहुत ज़्यादा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। पसीनो कढ़ रहे ना धूप को लग गए। सुबह में तो भाई बारिश इतनी अच्छी हुई, अब ये काम हो गया, मैं पसीनो काट दियो। सांप है, सांप भाई, चल चल के थक गए, अब थोड़ी देर आराम करें बस, कुछ नींबू पानी वगैरह पी लें, उसके बाद फिर चढ़ाई करेंगे भाई। हालत देखो, टप्पर टप्पर किसे दे रहे थे तू? दो मिनट रुक तो सही यार, भाई पीछे तो ना पकड़ा है के वास्ते हूं। चेक आउट द कार, शकल देखो भाई, भाई बहुत ज्यादा थकावट है। चक्कर ले जाओ कोई, बाल देखो भाई, कुछ मर्जी कर लो आप, दस रुपए का तो खर्चा लगेगा ही। पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं भाई, अभी तो अब आया भाई मंदिर पिछले आधे घंटे से चलने के बाद, अभी अंदर भाई पता नहीं कितनी भीड़ होगी, हमारी तो हालत खराब होगी भाई, यहाँ पे हमारी तो हालत खराब होगी। देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या करें। राजीव है चलो भाई, लाइट वाला प्रसाद देंगे, पानी वाला काफी के बाद इधर बाहर पहुंचे, अभी भी रश है भाई, अभी भी बहुत रश है, गर्मी हो रही है, बस हवा चल जाए या पंखा मिल जाए, भला हो जाएगा सबको, बहुत गर्मी है भाई, ये करना है। Yeah.
के दर्शन करें। बहुत मुश्किल की बात है भाई, भैया भाई बहुत मेहनत मेहनत किया भाई, चढ़ाई चढ़ाई माता जी दर्शन देंगे, फिर थकावट दूर हो बहुत बहुत ज़्यादा दूर। दर्शन हो गए भीड़ थी, फिर भी भाई हम लोग ऐसा लगे था भाई जल्दी से जल्दी दर्शन हो गए, हमको भी नहीं पता चला कब हुआ कब नहीं हुआ। भाई दक्षिण मंदिर जाएंगे, उसके बाद में एक दो जगह और जाएंगे, अभी तो पहले नीचे जाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, जूस वगैरह पियेंगे, उसके बाद से सीधा दक्षिण मंदिर जाएंगे। मेरे पीछे देख सकते भाई भीड़ है, तो भाई फाइनली अब नीचे उतर रहे हैं। जितना ही मुश्किल चढ़ना है ना भाई, उतना ही आसान उतरना है यहाँ पे। चढ़ने में जितना टाइम लगता है, उतरने में उससे डबल से भी कम आधा टाइम लगता है भाई, बहुत मज़ा आता है। चढ़ाई ओके है बस, नीचे पियूंगा या कुछ खाऊंगा भाई। भाई मेन थी ना गर्मी बहुत थी यहाँ पे, अभी भी गर्मी बहुत है भाई, कुछ नहीं बोल सकते भाई। देखो 33 डिग्री हो रही है भाई इधर, फाइनली अब तो धर्मशाला जाने का वक्त आ गया भाई। भाई कटिंग की दुकान पे ड्रायर वायर लगा ली थी, बाल बाल सेट करा, फिर मसाज वगैरह करी, अब भाई थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब देखते हैं ऑटो वगैरह मिलता है तो दक्षिण मंदिर जाएंगे, नहीं तो धर्मशाला जाके आराम करेंगे भाई, देखते हैं। स्ट्रेट ही भाई फाइनली हमको ऑटो मिल चुका है, बहुत ढूंढने के बाद मौका मिला भाई दक्षिण मंदिर का, वहीं जा रहे वहीं पे भाई दादी मेरे को तो दक्षिण मंदिर में क्या है राजीव ने भी जा रहे, देखेंगे आपको भी दिखाएंगे ये वीडियो लुक। पहुंचने वाले शायद, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है,
जगह है तो भाई हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है घूमने को भाई। बड़ी गर्मी होती है ना जो बहुत परेशानी होती है। वो कहे थे भाई देखना वीडियो में भाई इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। से तो बहुत मंदिर है, बहुत ज़्यादा मंदिर है, बट टाइम की अहमियत देखते हुए हम सिर्फ एक ही मंदिर जा रहे हैं जो कि है दक्ष मंदिर। हरिद्वार में भाई बहुत मंदिर, बहुत भाई लड़ बाबा आश्रम, भारत माता मंदिर और भी बहुत मंदिर है भाई, बड़ा नहीं दक्ष मंदिर बस कि भाई उनको जाके आराम करना है, फिर गंगा आरती भी देखना है, फिर गंगा स्नान भी करना है भाई। टाइम के अनुसार है हमारे पास टाइम भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक ही मंदिर दर्शन करके जाएंगे सीधा रेस्ट करेंगे, फिर कल जाएंगे ऋषिकेश में तो देहरादून फाइनली दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दक्षेश्वर मंदिर है नाम यहाँ पे, इससे पहले मैं शायद आया था यहाँ पे मंदिर में, कभी याद नहीं आ रहा बट आया हूँ मैं भाई। दक्षेश्वर यानी जो सती माता के पिताजी थे उनका ये ससुराल है, मतलब शिव जी का ये ससुराल है भाई, ऑल ओवर जो भी है। फिर यार हाँ सही सही है भाई, अब वो अंदर दिखेंगे फाइनली दर्शन कर लिए मंदिर में शिवलिंग जी के, दक्षेश्वर महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। अब भाई दूसरे मंदिर में जाएंगे, ऑटो वाले बाहर खड़े हैं हमारे, ठीक है भाई आगे घाट है, बस मंदिर में शांति ही शांति है भाई, यह बहुत अच्छा दिखा है, पीसफुल है एकदम। अब दक्ष मंदिर भी देख लिया, अब सीधा जाएंगे धर्मशाला, कोई प्लान नहीं है, सीधा गंगा आरती फिर हरिद्वार के स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे बस, उसके बाद में ये हरिद्वार सीरीज खत्म करेंगे, ठीक है।